एनसीआर के आसपास के एरिया में ऑल इंडिया में कोई नहीं दे सकता। अगर देता है तो हम फ्री प्लॉट देने की जिम्मेदारी रखते हैं। हमसे सस्ता ऑल इंडिया में कोई नहीं दे सकता। दो साल तीन साल का अगर इन्वेस्टमेंट आप कर भी देते हो तो आप यहाँ से दो साल में हम लिख के देंगे आपको डबल के रेट के पैसे हम देंगे प्लॉट में जितना भी इन्वेस्ट करते हो। ये हम आपसे एग्रीमेंट करके देंगे कि यहाँ पे डबल होने ही हैं। सुविधा के लिए हम छोटे प्लॉट्स देते हैं, 50 गज का साइज है। ये सारे ब्लॉक 50 गज के दिए हैं, 15x30 का साइज आप देख सकते हो और सारे टू साइड ओपन है। मतलब हम मात्र 11,000 की बुकिंग अमाउंट रखते हैं और हम सिर्फ 20-25% डाउन पेमेंट रखते हैं जो मात्र आपका लगभग 40-50 हज़ार रुपये होता है। मतलब वो अमाउंट जमा करने के बाद आदमी बाकी की जो हमारी अमाउंट बचती है उसकी छोटी इंस्टॉलमेंट बन जाती है 5,000-6,000 रुपये की नॉर्मल, वो पे कर सकता है। हम मात्र का पैसा लगाना होता है और 2-4 सालों बाद 10 सालों उसकी ग्रोथ लगभग है। तो रहने के लिए कोई मतलब 24 घंटे की लाइट है, ट्रांसफार्मर है, वाटर सप्लाई का पानी है, मतलब अच्छी लोकेशन पे बहुत ही चीपेस्ट रेट में प्लॉट सेल करते हैं हम। सबसे अच्छा बेनिफिट प्रॉपर्टी में ये देते हैं, आप सबसे पहले अपना मकान बनाएं। ओके, मकान बनाएं, पीडीसी चेक पे रजिस्ट्री करा लें। आप सिर्फ हमें बुकिंग अमाउंट दोगे, बुकिंग अमाउंट के बाद हम आपके रजिस्ट्री का टाइम रखेंगे, रजिस्ट्री करा लेना आप। 2 महीने बाद हमारे चेक के लिए करा देना, उससे पहले 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। 2 महीने में आपका मकान भी रेडी हो जाए, उसके बाद हमारी पेमेंट कर सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें कुछ देना नहीं पड़ा, हमें पता भी लग गया प्रॉपर्टी कैसी, हमारे कागज हमारे नाम हो गए, मकान पर हमारा कब्जा है, हम रह रहे हैं और रजिस्ट्री मोटर से हमारी चढ़ी हुई। तो जो दिखाया हुआ है और अगर वो 2 साल बाद भी आते हैं तो उनको वही प्लॉट मिल रहा है। हमारे यहाँ पे बदला नहीं जाता है, कभी प्लॉट दिखाया कुछ है, दिया कुछ है, ऐसा नहीं होता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं रंजीत, आज मैं आपको ले गया हूँ बदरपुर। और अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी लेने की तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्लॉट के लिए जाने जाते हैं। आज हमारे साथ में किशन भाई हैं, तो जानते हैं किस तरह की यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी वगैरह है। सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सर, बताएं हमारे व्यूअर्स को किस नाम से है आपका यहाँ पे और कब से ये काम है आपका प्रॉपर्टी का। पहले तो मैं व्यूवर्स का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले भी आप मुझे पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला है जी, व्यूवर्स ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया है कि आज हमने बहुत से मकान बना दी है, बहुत सी कॉलोनियाँ अच्छी बसा दी है। मतलब जो रेंट पे रहते थे पब्लिक थी, जिन पे रहने के लिए मकान होते नहीं थे पैसे, वो अपना रेंट भर रहे थे, वो आज हमें इंस्टॉलमेंट भरते और अपने मकान बना कर बैठे। ग्रेट, हमें सभी का प्यार मिला है और हम आशा करते हैं आप सभी का हमें आगे भी प्यार मिलता रहे। बात करें तो कितने दिन से है आपकी ये जो प्रॉपर्टी का काम। सर, मैं आप ही बताता हूँ, मैंने 10 साल से किया है, पर मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस लाइन में कम से कम 30 सालों से जुड़े हुए हैं। अमेजिंग, यानी बहुत पुराने टाइम से। अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की या अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज करना है तो मेरे ख्याल से बेस्ट जगह है। सर, बात करें लोकेशन की तो आप कौन से एरिया में बेसिकली डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम आपके फरीदाबाद में और पलवल में डील करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे पब्लिक को कुछ फायदा हो, और ये दोनों ही एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट काफी तेजी से है। बिल्कुल, मतलब नाम मात्र का पैसा लगाना होता है और 2-4 सालों बाद 10 सालों बाद उसकी ग्रोथ लगभग 10 गुना ज्यादा हो जाती है। फ्लैट्स हमारे फरीदाबाद में मिलते हैं 85 सेक्टर में, तो हमारे पास फ्लैट्स भी होते हैं, मात्र 10% बुकिंग अमाउंट देना होता है, उसके बाद 90% आपको लोन अवेलेबल कराए जाते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के पहले लोग बहुत बार सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, सही जगह मेरा पैसा लग रहा है कि नहीं। इसके लिए वैसा कस्टमर्स को सबसे अच्छी बेनिफिट की बात ये बताते हैं जी, अगर आपको डर लगता है किसी भी बातों से कि हम कहीं फंस ना जाए, होता है ऐसा प्रॉपर्टी के मामले में बदनाम होती है, तो हम सबसे अच्छा बेनिफिट प्रॉपर्टी में ये देते हैं, आप सबसे पहले अपना मकान बनाए। ओके, मकान बनाए, पीडीसी चेक पे रजिस्ट्री करा ले। आप सिर्फ हमें बुकिंग अमाउंट दोगे, बुकिंग अमाउंट के बाद हम आपके रजिस्ट्री का टाइम रखेंगे, रजिस्ट्री करा लेना आप। 2 महीने बाद हमारे चेक के लिए करा देना, उससे पहले 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। 2 महीने में आपका मकान भी रेडी हो जाए, उसके बाद हमारी पेमेंट कर सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें कुछ देना नहीं पड़ा, हमें पता भी लग गया प्रॉपर्टी कैसी, हमारे कागज हमारे नाम हो गए, मकान पर हमारा कब्जा है, हम रह रहे हैं और रजिस्ट्री मोटर से हमारी चढ़ी हुई है, इसके बाद तो कोई भी अलावा देना दे ही देगा। और बात करें सर अगर प्लॉट की, जो प्लॉटिंग है आपकी, कितने कितने स्क्वायर फीट में स्टार्टिंग है इसकी। तो 50 गज का हमारा कम से कम साइज होता है, जो 450 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। ओके, 50 गज मिनिमम जो है ये प्लॉट है आपके पास में। और 50 गज कोई लेना चाहता है सर तो कितने का लगभग अभी जो है मिनिमम जो है। मिनिमम 1,75,000 रुपए का हो जाता है। बनाने के लिए भी सुविधा हमारी तरफ से मिलती है, मटेरियल भी हम दिया। अगर मान लो प्रोजेक्ट नहीं होता बंदे के पास किसी का, बल्कि हमारे जो क्लाइंट होता है, जैसे हमारे व्यूवर्स है, कोई इच्छुक है लेने को और सिर्फ प्रॉपर्टी के ही पैसे हैं उसके पास बनाने के लिए, नहीं तो बनवा भी हम देते हैं, हमें उससे धीरे धीरे लेते रहते हैं। पहले हम प्लॉट सेल करते हैं, पहले प्लॉट देंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो उनसे वो टाइम ही नहीं लेता, 6 मंथ या 2 मंथ जो भी होगा पोजीशन का टाइम लेते हैं। आगे की जरूरत है, सपोर्ट
सपोर्ट हमारी तरफ से मिलती है। ओके सर, पूरा क्या कितना दिन लगता है ये सारे प्रोसेस में, एक आदमी प्रॉपर्टी लेना चाहता है? सिंपल प्रोसेस कोई ऐसा जिसमें ज्यादा चीजें नहीं होती, हमारे पास नॉर्मल कोई जैसे क्लाइंट आता है हमारे पास, हम आप पहले उसको जगह दिखाते हैं, प्लॉट पसंद आता है प्लॉट बुक कराएगा, उसके बाद सीधा अगर कैश लेना चाहता है तो अगले दिन उसकी रजिस्ट्री का टाइम रखते हैं उसका। ओके और नेक्स्ट डे उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं, रजिस्ट्री के बाद जब पोजीशन दे दी तो सिर्फ मात्र उसमें तीन दिन आपके वेस्ट होते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम हम लेते नहीं है। ग्रेट, तो ये तो काफी अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो भी दिल्ली एनसीआर जैसे कि ये अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, और इस एरिया में फरीदाबाद साइड में अगर आप सोच रहे हैं लेने की, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। और मिनिमम 50 गज से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे जो प्लॉट वगैरह हैं, और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की तो 30-40 साल मायने रखते हैं, यानी एक तरह से कहें तो खानदानी काम चल रहा है सर आपका। हाँ, खानदानी काम कह सकते हो जी, बहुत टाइम से है इनका, तो एक ट्रस्ट के साथ आप यहाँ पे आके और जो है देख सकते हैं, बुक करा सकते हैं अपना। बात करें अगर हम, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्यादा बजट नहीं है और वो चाहता है कि कुछ पैसे दे के मैं प्लॉट जो है अपना बुक करा लूं, फिर मैं अपना घर बनाऊं और धीरे धीरे करके पैसा मैं दूं, तो कुछ ऐसा सिस्टम है आपके पास? जी सर, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्लान है जी। मतलब हम मात्र 11,000 की बुकिंग अमाउंट रखते हैं और हम सिर्फ 20-25% डाउन पेमेंट रखते हैं, जो मात्र आपका लगभग 40-50,000 रुपए होता है। ओके, मतलब वो अमाउंट जमा करने के बाद आदमी बाकी की जो हमारी अमाउंट बचती है उसकी छोटी इंस्टॉलमेंट बन जाती है 5,000-6,000 रुपए की नॉर्मल, वो पे कर सकता है। ओके, और एक और हम टाइमिंग को लेकर भी कोई ज्यादा इशू नहीं बनाते, हम अपनी तरफ से भी 1-1.5 साल का टाइम देते हैं, 1-2 महीने और आगे पीछे कर लेते किसी मजबूरी आते, तो हम पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए बैठे, क्योंकि हम बसावट पे ज्यादा ध्यान करते हैं, हम बसाना चाहते हैं लोगों को। जी जी, और इसी वजह से हम लोगों को इतना प्यार मिलता भी है। बिल्कुल, इतने टाइम से अगर कोई मार्केट में बैठा है 30-35 साल से, तो मैटर करता है कि कितना ट्रस्ट है लोगों का, कितना प्यार है। और ये बड़ा अच्छा लगा मैं कि अगर आपके पास में ज्यादा पैसे नहीं है तो 11,000 रुपये सिर्फ बुकिंग अमाउंट है सर, ये कहीं से भी कोई ऑनलाइन भी करा सकता है? हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया में कहीं भी अगर आ भी नहीं सकता उल्टा कहीं फंसा हुआ है जी, और उनको प्लॉट जल्दी में बुक कराना है, तो हम नक्शा भेज देते हैं प्रॉपर्टी का, उसमें प्लॉट नंबर सिलेक्ट करके वहाँ से बुक करा सकते हैं, तो जो दिखाया हुआ है, और अगर वो 2 साल बाद भी आते हैं तो उनको वही प्लॉट मिल रहा है, हमारे यहाँ पे बदला नहीं जाता है, कभी प्लॉट दिखाया कुछ है दिया कुछ है ऐसा नहीं होता। जी जी बिल्कुल, तो ये काफी अच्छा है कि आप कहीं से भी बुकिंग करा सकते हैं। एनसीआर के आसपास के एरिया में ऑल इंडिया में कोई नहीं दे सकता, अगर देता है तो हम फ्री प्लॉट देने की जिम्मेदारी रखते हैं, हमसे सस्ता ऑल इंडिया में कोई नहीं दे सकता। सर जो ऑनलाइन वगैरह बुकिंग कराते हैं तो इसी तरह के मैप आप उनको भेज देते हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरह के मैप भेजते हैं, इसमें हमने छोटे प्लॉटों में 2 साइड ओपन फील्ड प्लॉट दिए जाते हैं हम जी, सुविधा के लिए हम छोटे प्लॉट्स देते हैं, 50 गज का साइज है ये सारे ब्लॉक, 50 गज के दिए हैं, 15x30 का साइज आप देख सकते हो, और सारे 2 साइड ओपन है ये। 15 फिट का रोड आगे मिल रहा है, 15 फिट का पीछे मिलता है, क्योंकि 2 साइड ओपन है तो थोड़े छोटे रोड करते हैं, बाकी जितने भी ब्लॉक है हमारे सब में 18 फिट के रोड है। या कितना है प्लॉट वगैरह सारा चीज देखा है, मेंशन किया हुआ है इस पे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप घर बैठे भी अगर चाहते हैं ऑनलाइन, आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आप डायरेक्शन चूज करते हैं वो भी हमारे पास होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जी, जिस फेसिंग में आपको चाहिए वो भी मिल जाता है। ओके, तो अभी फिलहाल क्या है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं सारे जो प्लॉट वगैरह हैं, तो जितनी जल्दी आप बुक कराते हैं उतना अच्छा लोकेशन आपको मिलने वाला है। मैं लेके चल रहा हूँ आपको सीधा जो इनका लोकेशन है, और फिर ढेर सारी बातें भी करनी है, थोड़ा सा मैं रास्ता भी आपको दिखाते चलूंगा साथ में, और देखेंगे क्योंकि अभी आज थोड़ा सा मौसम भी ठीक नहीं है, बारिश वगैरह भी बहुत हो रही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें चल रहे हैं साइट के तरफ। और ऑफिस से निकलते ही सामने में पड़ जाएगा आपको ये बदरपुर का टोल प्लाजा है, और टोल प्लाजा से ये हाईवे पे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का थोड़ी दूर जाने के बाद आपको नज़ारा दिखेगा, बहुत ही मेन लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, और ये बिल्कुल हाईवे है जहाँ पे आप देख रहे हैं KMP एक्सप्रेसवे है, और यहाँ से सारी गाड़ियाँ चारों तरफ जाती है, आपको कहीं पे भी जाना हो, ये देख रहे हैं ऊपर आगरा की तरफ अगर जाना हो तो वहाँ का भी है ये। और अब हम आ गए हैं फाइनली उस मोड़ पे जहाँ से हम आपको ले चलेंगे साइट की तरफ, और ये बिल्कुल ये हाईवे हैं जो आप देख रहे हैं, और ये जो ऑटो जिधर से निकल रही है इधर ही हमें जाना है, और इसी तरफ है ये देख रहे हैं बंशारी रेलवे स्टेशन, बिल्कुल जो लोकेशन है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरी बारिश हो रखी है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। तो ये है अभी जो खड़े हैं हम लोग, आ गए हैं बंशारी रेलवे स्टेशन पर, और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, चिड़िया भी चहचहा रही है और पेड़ पौधे, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। अगर आप चाहते हैं
एक अच्छी लोकेशन में लेना, तो ये बंचारी रेलवे स्टेशन है जहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है, ये नियरेस्ट आपको रेलवे स्टेशन पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रेन भी अभी अभी गुजर रही है, ऐसे तो अभी पूरी तरह से ट्रेन खुली नहीं है, नहीं तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। ये जो देख रहे हैं आप ये भजन लाल मेमोरियल ग्लोबल जो है यहाँ पे स्कूल है, तो ये भी बहुत ही बड़ा प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, जो बिल्कुल प्लॉट के बिल्कुल बगल में ही है, यानी बहुत यानी आधा किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा वहाँ से, बहुत पास में है ये। और इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन है जहाँ मैं अभी आपको लेके आया हूँ, तो ये रेलवे स्टेशन जो देख रहे हैं भैया दिखा रहे हैं आपको, तो ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे पड़ता है बहुत पास में, इसकी भी जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी है। तो सोलाका रेलवे स्टेशन है, देख रहे हैं लिखा हुआ है सोलाका रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से भी पास पड़ेगा। और अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये सारे जो देख रहे हैं ये पूरी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे बहुत सारी ज़्यादातर बिक चुकी है, और एक बहुत बड़ा मंदिर भी यहाँ पे है। आप देख रहे हैं ये जो पूरा एरिया है बहुत दूर तक ये मंदिर है जो बन रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी मंदिर का भी यहाँ पे एक निर्माण हो रहा है। तो ये भी जो आता है आपके बिल्कुल पास में आता है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। और ये सारे जो देख रहे हैं प्रॉपर्टी ये सारे 50 गज से स्टार्ट है, 100 गज, 150 गज, 200 गज का एरिया है, और इस तरह का आप ले सकते हैं, जिस तरह का आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, जैसा कि देख रहे हैं लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया है। कंपनी का नाम है श्री कालका रियल एस्टेट, जो हमारी साइट है ये। अब हम खड़े हैं पलवल के बंचारी रेलवे स्टेशन के पास, जगह है ये गिरिराज नगर के नाम से कॉलोनी हमने डेवलप की है ये। ओके। और लगभग इस कॉलोनी में आपके 25,000 प्लॉट सेल आउट हो चुके हैं, जिनमें लगभग आपको 15,000 के तो बाउंड्रीज दिख जाएंगे आपको। हमने लाइट लगा रखी, हम खंभे अवेलेबल करा दिए हैं, रोड कंप्लीट करा दिए हैं, पानी की वाटर सप्लाई खोलनी है हमें, वाटर सप्लाई भी पानी आपको खोल के मिलेगा यहाँ पे। ओके। और मात्र मतलब कहते हैं ना NCR में सबसे चीपेस्ट रेट पे प्लॉट हम ही देते हैं, तो आप बता देते हैं 1,75,000 रुपये में 50 गज का प्लॉट मिल जाता है आपको यहाँ पे। 1,75,000 रुपये में 50 गज का प्लॉट, वो भी सारी चीज़ें पास है। रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, इसके अलावा हाईवे बिल्कुल पास में है, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, सारी चीज़ें बिल्कुल पास में हैं। और आने वाले टाइम में सर ये चीज़ों की जो कीमत है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अब हाइप होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल होना, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है जी। अभी जो हम जहाँ खड़े हैं साइट पे, साइट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे आपको 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका 15 मिनट के ड्राइव पे जेवर एयरपोर्ट मिलता है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ पे कंपनियां काफी निवेश कर रही हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। तो जहाँ पे मतलब बड़े बड़े 5-स्टार होटल आने हैं, बड़ी कंपनियां आनी है वहाँ पे, भाई साहब आप समझ सकते हो। कॉलोनी का व्यू दिखाता हूँ एक बार, सारे देख सकते हो जो मकान बने हुए हैं, रेजिडेंस हो चुका है, मतलब धीरे धीरे पब्लिक आ रही है, रह रही है, तो रहने के लिए कोई मतलब 24 घंटे की लाइट है, ट्रांसफार्मर है, वाटर सप्लाई का पानी है, मतलब अच्छी लोकेशन पे बहुत ही चीपेस्ट रेट में प्लॉट सेल करते हैं। ये देखिए ये सारी बन गई है सर, ज्यादातर यहाँ पे हाँ जी, लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है लोगों ने। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, मात्र 2 साल में सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलने वाला, 2023 में गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है पहली उड़ान का जेवर एयरपोर्ट की। भाई साहब 2-3 साल का अगर इन्वेस्टमेंट आप कर भी देते हो, तो आप यहाँ से 2 साल में हम लिख के देंगे आपको डबल के रेट के पैसे, हम देंगे प्लॉट में जितना भी इन्वेस्ट करते हो, ये हम आपसे एग्रीमेंट करके देंगे कि यहाँ पे डबल होने ही हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, रेजिडेंस भी कर सकते हैं। ये सारे जो देख रहे हैं आप, तो ये रोड है और दोनों साइड में ये देख रहे हैं आपको ये खंबे नजर आएंगे, सारे में आपकी बसावट है, दोनों तरफ दिखा सकते हो आप। देखिए ये पूरा का पूरा, ये काफी सारे लोगों ने तो यहाँ पे शिफ्ट भी कर लिया है। आपने एक बात कही थी हमें किस्त की, तो किस्त जो होता है सर आपके तरफ से होता है लोन वगैरह, या बैंक के तरफ से आप लोन करवाते हैं? भाई साहब मैं व्यूवर्स के नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे पास बैंक से भी लोन हो जाता है। ओके। और हम अपनी तरफ से भी टाइम देते हैं, इसमें 2 रीज़न होते हैं, क्योंकि हर व्यूवर के पास मैं बता आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं होते, कुछ का लोन हो नहीं पाता है, और कुछ ऐसा होता है क्योंकि बैंक ना किसी की एक इंस्टॉलमेंट भी टूटी तो उस पर फिर मल्टीपल क्या कहते हैं ना उसको चक्रवर्ती ब्याज लग जाना शुरू होता है, और उसके कभी सिविल डाउन कर देते हैं, कभी उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, तो इसमें ना आदमी घिर जाता है बहुत, सारे व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं बैंक के। अगर वैसे भी उसे चाहिए, हमारे पास टाइम चाहिए, तो हम भी अपनी तरफ से उसको टाइम देते हैं, कम से कम 18 महीने का टाइम तो हमारी तरफ से मिल जाता है, और 1-2 महीने की हम कसमें भी नहीं खाते, एक्स्ट्रा टाइम देते, किसी मजबूरी आ गई एक कॉल करके हमें बताए कि भाई साहब इस महीने किस्त नहीं दे पाएंगे, हम अगले महीने उसके लिए किस्त दे सकते हैं। ओके ग्रेट।
यहाँ पे सर पानी वगैरह की और बिजली वगैरह की सारी सुविधा है? हाँ जी, वाटर सप्लाई का पानी मिलेगा, दिल्ली में जैसे गंगा जल आता है उस हिसाब से टोटियों का पानी आपको यहाँ अवेलेबल कराएं। ये सारे बीच में जो देख रहे हैं आप, ये 18 फुट का पूरा ये भी रोड है पूरा, और दोनों साइड में कई सारे घर देख रहे हैं आप ऑलरेडी बन चुके हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है बिल्कुल लगभग फुल हो गया है ये, और इस तरफ जितनी भी बची हुई हैं, तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास। ये भी कितने गज में बना है सर ये? ये आपका 150 गज का मकान, 150 गज में। हाँ जी। तो ये देख रहे हैं लोग यहाँ पे, कुछ लोग अभी नहीं भी रह रहे हैं, तो ये देख रहे हैं इसमें काम चल रहा है, अभी बन ही रहे हैं ये सारे। तो इस तरह का है पूरा ये एरिया। ये ऑन रोड काले रोड पे है, 22 फीट का मेन रोड है जो फ्यूचर में 44 फीट का रोड बनना है। और यही रोड आपका जेवर निकलता है एयरपोर्ट पे, इसी रोड से कनेक्टिविटी होगी, तो आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेट यहाँ पे ग्रोथ हो जाने हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप ले सकते हो यहाँ पे, रेजिडेंस के लिए भी ले सकते हो। कोई भी तरह की डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। और बदरपुर बॉर्डर पे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बदरपुर बॉर्डर पे टोल टैक्स के नियर बाय में बिल्कुल ऑफिस, बिल्कुल है। टोल टैक्स आते हैं, सामने में ही ऑफिस है। हाँ, तो अगर आप ऑफिस आना भी चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।